हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है येन यांग मास्टर ड्रीम ऑफ इटर्निटी। आप लोगों को इसका पार्ट टू काफी पसंद आया था, इसीलिए उम्मीद है कि पार्ट वन भी आपको काफी पसंद आएगा। मूवी की शुरुआत में हम किंग मिंग के मास्टर जिन जिंग को देखते हैं जो कि किंग मिंग को प्रोटेक्शन स्पेल सिखा रहे हैं, पर किंग मिंग इसे ठीक से नहीं कर पा रहा और इसकी प्रैक्टिस करते करते किंग मिंग बड़ा हो जाता है, पर अब भी वो प्रोटेक्शन स्पेल नहीं कर पाता। मास्टर उस पर अटैक करते हैं तो किंग मिंग प्रोटेक्शन स्पेल के बजाय टेलीपोर्ट स्पेल से खुद को बचा लेता है क्योंकि किंग मिंग टेलीपोर्ट स्पेल में माहिर हो चुका था। पर मास्टर कहते हैं कि येन यांग मास्टर बनने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल आना चाहिए। तभी मास्टर को किसी खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो टेलीपोर्ट स्पेल से किंग मिंग को वहां से दूर भेज देते हैं और अपने खून से स्पेल करके अपने तीन गार्जियन एंजल को वहां बुला लेते हैं और ये चारों उस खतरे के लिए तैयार थे। और तभी वहाँ एक बड़ा सा डीमन स्नेक आ जाता है और फिर टेलीपोर्ट स्पेल की मदद से किंग मिंग भी बागी स्टूडेंट के साथ मास्टर की मदद के लिए वहाँ आ जाता है। डीमन स्नेक इन पर जहरीला अटैक करने ही वाला होता है। मास्टर सबको प्रोटेक्शन स्पेल बनाने को बोलते हैं पर किंग मिंग वो नहीं बना पाता और डीमन स्नेक हमला कर देता है, पर किंग मिंग को बचाने के चक्कर में मास्टर को वो जहरीला अटैक लग जाता है। तभी एक गार्जियन एंजल टेलीपोर्ट होकर सांप के अंदर चला जाता है और उसे वापस आइसबर्ग में ले जाता है। इधर मास्टर किंग मिंग को बताते हैं कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, पर वो डीमन स्नेक अभी मरा नहीं है। 300 साल पहले चार रक्षक उसकी बॉडी को तो सील कर पाए, पर वो वापस जरूर आएगा और किसी दूसरे डीमन के शरीर में वापस से जिंदा हो जाएगा। मेरे बाद अब तुम येन यांग मास्टर हो, तुम्हें इस दुनिया को अब उस डीमन स्नेक से सुरक्षित रखना होगा जैसे अब तक मैंने रखा है। इसके कुछ टाइम बाद हम एम्पेरियल सिटी में बोया को देखते हैं और किंग मिंग भी यहाँ पर येन यांग मास्टर है। और फिर तभी हम देखते हैं कि महल में कोई डीमन घुस आया है और बोया किंग मिंग से उसे बात करते हुए देख लेता है और फिर बोया उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन किंग मिंग उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और कहता है कि ये अच्छा डीमन है, इसने कुछ गलत नहीं किया है। पर बोया की नजरों में सभी डीमन एक जैसे होते हैं और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर किंग मिंग उसे बचा लेता है और फिर टेलीपोर्ट स्पेल की मदद से उस डीमन को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, आज से पहले किसी ने भी एक डीमन के लिए इतना कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं आपका गार्जियन एंजल बनना चाहता हूँ। जिस पर किंग मिंग मान जाता है और उस डीमन को अपना गार्जियन एंजल बना लेता है। इधर एम्प्रेस बोया को ऑर्डर देते हैं कि वो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन में जाए और बाकी मास्टर को इकट्ठा करे ताकि ये लोग उस डीमन स्नेक को मार सकें क्योंकि उसका खतरा अभी टला नहीं है। इसके बाद बोया वहीं सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन में आता है जहां इसे चार मास्टर से मिलना है जिनमें से एक किंग मिंग भी होता है। बोया कहता है कि किंग मिंग इन मास्टर के काबिल नहीं है क्योंकि इसने एक डीमन की मदद की थी। पर तभी वहां मास्टर लोंजी भी आ जाती हैं और बताती हैं कि मैं भी उन चार मास्टर में से एक हूं। और फिर तीसरे मास्टर शोए भी वहां आ जाते हैं जो कि किंग मिंग के मास्टर की तरह लगते हैं, पर चौथे मास्टर अभी नहीं आए हैं। शोए बताता है कि आप लोग यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से एक कवच से ढकी हुई है, कोई भी डीमन यहां नहीं आ सकता। अगली सुबह सभी मास्टर इकट्ठे होते हैं पर चौथे मास्टर अभी भी गायब हैं। तभी वहां प्रिंसेस आती हैं और इनसे पूछती हैं कि चौथे मास्टर कहां हैं, पर तभी वहां एक सिपाही आता है और इन्हें बताता है कि चौथे मास्टर को डीमन ने मार दिया है। प्रिंसेस बाकी मास्टर से कहती है कि आप लोगों को उन चारों गार्जियन स्टैच्यू को डीमन स्नेक के आने से पहले जगाना होगा जो कि एम्पीरियल सिटी के चार अलग अलग कोनों पर हैं ताकि वो डीमन स्नेक शहर से बाहर ना जा पाए। इसके बाद चौथे मास्टर की डेड बॉडी लाई जाती है जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि ये जगह तो पूरी तरह से सुरक्षा वाले कवच से ढकी हुई है, इन्हें किसी ऐसे डीमन ने मारा है जो कि टेलीपोर्ट स्पेल में माहिर है। इनका इशारा किंग मिंग की तरफ था, पर किंग मिंग कहता है कि नहीं, वो डीमन यहाँ पहले से ही मौजूद है जो हम चारों मास्टर में से कोई एक है और किंग मिंग का शक शोए के ऊपर है। पर प्रिंसेस डीमन का पता लगाने के लिए वहाँ मैजिकल टेटपोल लाती हैं तो जो भी डीमन होगा ये टेटपोल उसकी तरफ इशारा करेंगे और फिर हम देखते हैं कि ये सभी टेटपोल किंग मिंग की तरफ इशारा करते हैं। पर तभी बोया कहता है कि किंग मिंग डीमन नहीं है, मैंने कल रात किसी
को किंगमिंग के कमरे में जाते हुए देखा था। और फिर किंगमिंग भी अपने पास से एक छोटा सा जीव निकालता है और कहता है कि उसने मेरे पास ये रखा है ताकि टेडपोल मेरी तरफ इशारा करें। तो अब ये तो पता नहीं चल सका कि असली डीमन कौन है, पर किंगमिंग कहता है कि वो जो भी है उस डीमन स्नेक को वापस से आजाद करना चाहता है, इसीलिए उसने चौथे मास्टर को मार दिया ताकि वो उन चारों गार्जियन स्टेच्यू को न जगा पाए। प्रिंसेस कहती है कि हमें उस डीमन स्नेक के जागने से पहले उन चारों गार्जियन स्टेच्यू को जगाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बोया, लोंजी और शोय डीमन की आत्माएं यानी डीमन स्प्रिट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और कई सारे डीमन की स्प्रिट्स यानी उनकी आत्माओं को पकड़ लेते हैं और फिर गार्जियन स्टेच्यू को जगाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं जागते क्योंकि इन चारों स्टेच्यू को जगाने के लिए काफी ज्यादा डीमन स्प्रिट की जरूरत है। पर बोया देखता है कि किंगमिंग डीमन स्प्रिट को पकड़ने के बजाय यहाँ अपने एंजल गार्जियन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। इसके बाद अगले दिन ये तीनों फिर से डीमन स्प्रिट्स को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर अब भी किंगमिंग अपने गार्जियन एंजल के साथ ही बैठा था। और फिर बोया के पूछने पर किंगमिंग बताता है कि मैं तुम्हारी तरह छोटे छोटे डीमन को मारकर उनकी स्प्रिट नहीं पकड़ूंगा, बल्कि मैं एक ही पावरफुल डीमन को पकड़कर उसकी स्प्रिट से गार्जियन स्टेच्यू को जगाऊंगा। और जल्द ही इन्हें पता चलता है कि एक वॉर्म डीमन ने प्रिंसेस पर अटैक कर दिया है। जब किंगमिंग और बोया उनके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो वॉर्म डीमन प्रिंसेस की बॉडी में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर रहा है, पर किंगमिंग एक निडल की मदद से उस वॉर्म डीमन को अपने अंदर सोख लेता है और फिर वो डीमन किंगमिंग को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर बोया उसके हाथ से डीमन को उसके सिर तक ले आता है और फिर किंगमिंग बोया की मदद से उस डीमन को अपने अंदर से बाहर निकाल लेता है और फिर उसकी डीमन स्पिरिट से किंगमिंग एक गार्जियन स्टेच्यू को जगा देता है। इसके बाद बोया किंगमिंग को बताता है कि मेरी माँ को एक डीमन ने मारा था, इसीलिए मैं सभी डीमन से नफरत करता हूँ। पर किंगमिंग कहता है कि मेरे केस में उल्टा है, मेरी माँ एक डीमन फॉक्स थी जिन्हें इंसानों ने मार दिया था। इसके बाद सिर्फ मेरे मास्टर ने ही मुझे पाला था, पर उस डीमन स्नेक की वजह से वो मुझे बचाते हुए मारे गए और मुझे जाते वक्त एक तलवार दे गए ताकि मैं उस डीमन स्नेक को मार सकूं। इसके बाद ये दोनों जब प्रिंसेस के पास आते हैं तो इन्हें उनका चेहरा नहीं दिखाई देता, पर फिर हम देखते हैं कि लोंजी को प्रिंसेस की सच्चाई पता चल जाती है, इसीलिए एक हेयर डीमन अपने बालों से मास्टर लोंजी का गला काट कर चली जाती है और फिर मास्टर लोंजी भी मर जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब प्रिंसेस और शोय का प्लान था, ये दोनों ही उस डीमन स्नेक को वापस से आजाद करना चाहते हैं। जब किंगमिंग और बोया इनके पास आते हैं तो प्रिंसेस बताती है कि मैं प्रिंसेस नहीं बल्कि एम्प्रेस हूँ और ये किंगमिंग के मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसे लगता है कि शोय ही किंगमिंग के मास्टर हैं, पर किंगमिंग समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरे मास्टर नहीं है, वो मर चुके हैं। पर प्रिंसेस नहीं मानती और बताती है कि उस डीमन स्नेक को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसीलिए वो स्नेक मेरे अंदर है। इसे लगता है कि किंगमिंग के मास्टर भी डीमन स्नेक के साथ वापस आ जाएंगे। किंगमिंग और बोया इसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर शोय इन दोनों को टेलीपोर्ट स्पेल के जरिए कहीं दूर भेज देता है। किंगमिंग को वापस आ जाता है पर इसे बोया नहीं मिल पाता। इधर बोया रेत में दफन होता जा रहा है, पर तभी वो किंगमिंग को एक सिग्नल देता है और फिर किंगमिंग उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। इधर प्रिंसेस भी उस डीमन स्नेक को जन्म दे देती है और फिर वो डीमन स्नेक भी आजाद हो जाता है और फिर किंगमिंग के मास्टर ने उसे डीमन स्नेक को मारने के लिए जो तलवार दी थी वो भी एक्टिवेट होने लगती है। किंगमिंग फौरन उससे डीमन स्नेक को मारने की कोशिश करता है, पर शोय उस तलवार को रोक लेता है। इसके बाद वो डीमन स्नेक को खुद से जोड़ने को कहता है ताकि ये अमर हो जाए और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन स्नेक बहुत ही विशालकाय हो जाता है। तभी वो गार्जियन स्टैचू भी एक्टिवेट होने लगते हैं ताकि ये स्नेक इंपीरियल सिटी के बाहर ना जा सके, पर अभी एक स्टैचू एक्टिवेट नहीं हुआ है और इसे एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी मास्टर शोय की थी, पर ये तो गद्दार निकला, इसीलिए तो ये उन चारों मास्टर में से एक बनना चाहता था ताकि डीमन स्नेक को इंपीरियल सिटी से बाहर ले जा सके। अब सामने का क्या हुआ है और ये दोनों उस डीमन स्नेक पर बैठकर बाहर जा रहे हैं। तभी प्रिंसेस देखती है कि ये डीमन स्नेक कितनी ज्यादा तबाही मचा रहा है, ये सभी लोगों को मारता हुआ जा रहा है। अब प्रिंसेस को एहसास हो जाता है कि उससे गलती हो गई है, अगर ये डीमन स्नेक शहर से बाहर चला गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, इसीलिए ये शोय को लेकर नीचे
कूद जाती है, पर वो डीमन स्नेक इन दोनों को ही निगल लेता है। तभी किंगमिंग भी अपने गार्जियन एंजल को बुला लेता है, जो कि किलिंग स्टोन, मैट पेंटर और स्नोहॉन्ड है। मैट पेंटर बाहर जाने वाले रास्ते पर बहुत सारे प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है और बाकी दोनों गार्जियन एंजल डीमन स्नेक पर अटैक कर देते हैं। स्नोहॉन्ड बर्फीले अटैक करता है, पर तभी उस डीमन स्नेक में से शोए बाहर आता है और एक पोर्टल स्पेल से स्नोहॉन्ड को खींच कर मारने लगता है और डीमन स्नेक एक के बाद एक बैरियर तोड़ता हुआ आ रहा है। बोया कहता है कि हम उसे नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए मुझे अपने खून से उस चौथे गार्जियन स्टैचू को एक्टिवेट करना होगा। किंगमिंग कहता है कि इसमें तुम बेहोश हो जाओगे, बहुत खतरा है, पर बोया नहीं मानता और चला जाता है। इसके बाद डीमन स्नेक जैसे ही बैरियर तोड़कर आता है तो मैट पेंटर खुद को एक प्रोटेक्शन स्पेल में बंद करके उसके मुंह में चला जाता है, पर डीमन स्नेक बहुत ही पावरफुल है और वो मैट पेंटर को मार देता है और उसके साथ ही उसके बैरियर भी हट जाते हैं। इधर किलिंग स्टोन भी डीमन स्नेक को चीरता हुआ आगे बढ़ता आ रहा है, पर शोए आकर उसे भी रोक देता है। किलिंग स्टोन उस पर अटैक करता है, पर कोई फायदा नहीं। इधर स्नोहाउंड किंगमिंग से कहता है कि आप जाकर बोया को देखो, इसे हम पर छोड़ दो। और फिर जब किंगमिंग बोया के पास आता है तो वो देखता है कि खून ज्यादा बहने की वजह से किंगमिंग बेहोश हो गया है। इधर किलिंग स्टोन शोए से लड़ने की कोशिश करता है, पर शोए बहुत ही पावरफुल है और वो इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और फिर पावरफुल पंचेस पे पंचेस मार मार कर किलिंग स्टोन को नीचे फेंक देता है। इसके बाद स्नोहाउंड स्नेक को रोकने के लिए एक बर्फीला प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है, पर वो स्नेक उस बैरियर को तोड़ता हुआ लगभग शहर के बाहर ही आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो चौथा गार्जियन स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है और इंपीरियल सिटी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब डीमन स्नेक बाहर नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि उस गार्जियन स्टैचू को तोड़कर बोया का गार्जियन एंजल भी बाहर आ जाता है और फिर किंगमिंग की मदद से वो एंजल शोए से लड़ने पहुंच जाता है और ये वाला एंजल काफी पावरफुल लग रहा है और इन दोनों के बीच एक टक्कर का मुकाबला होता है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, पर धीरे धीरे शोए ज्यादा भारी पड़ने लगता है। इधर किंगमिंग टेलीपोर्ट स्पेल से डीमन स्नेक के अंदर जाता है और प्रिंसेस को यकीन दिलाने के लिए वो उन्हें दिखाता है कि मेरे मास्टर मर चुके हैं, शोए सिर्फ उनका गार्जियन एंजल है, वो अब वापस नहीं आ सकते। और फिर प्रिंसेस को यकीन हो जाता है और किंगमिंग उन्हें स्नेक के पेट से बाहर ले आता है और फिर किंगमिंग टेलीपोर्ट स्पेल के जरिए वो जादुई तलवार बोया को देता है और बोया वो तलवार लेकर डीमन स्नेक की तरफ फेंक कर मारता है, पर तभी शोए उसे रोक लेता है और किंगमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली प्रोटेक्शन स्पेल क्या होता है। पर तभी प्रिंसेस एक तलवार उठाकर अपने गले पर रख लेती है और कहती है कि डीमन स्नेक के मरने के बाद मैं भी अमर नहीं रहूंगी और अपनी गर्दन काट लेती है, जिससे शोए भी कमजोर हो जाता है और वो तलवार उसे लग जाती है और उसके साथ साथ डीमन स्नेक को भी खत्म करने लगती है। पर मरने से पहले डीमन स्नेक फिर से जहरीला अटैक करता है, लेकिन बोया का गार्जियन एंजल किंगमिंग के सामने आकर उसे बचा लेता है और फिर वो डीमन स्नेक भी खत्म हो जाता है। पर जब धूल हटती है तो शोए अभी भी जिंदा होता है और वो अपने अंदर से तलवार निकाल कर बोया की तरफ फेंकता है, पर किंगमिंग प्रोटेक्शन स्पेल इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है, पर वो तलवार फिर भी उसे तोड़ते हुए किंगमिंग के आर पार हो जाती है। पर बोया तक पहुंचने से पहले किंगमिंग फिर से एक प्रोटेक्शन वॉल बना लेता है और फिर टेलीपोर्ट स्पेल से वो तलवार शोए के सीने में घुसा देता है और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस और शोए दोनों ही उस डीमन स्नेक के साथ खत्म हो जाते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बोया भी ठीक हो गया है, लेकिन इसका गार्जियन एंजल खत्म हो गया। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएगा इसका पार्ट 2 या और भी वीडियो देख सकते हो आप चैनल में जाके। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।